अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माई चैनल। आज आपको पुर्तगाल में खुश आमदीद करते हैं और आज आपको इंफॉर्मेशन देंगे हम कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यूरोप में आते हैं और हमें काम नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपको पुर्तगाल का ये एक पार्क है और साथ में ये प्लेग्राउंड भी है, बहुत खूबसूरत पार्क है यहाँ पर, इसका विज़िट करवाते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पर आकर जॉब्स क्यों नहीं मिलती। बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं हमने यूरोप आना है, इतनी हमारी स्टडी है, हम यूरोप आना चाहते हैं। किसी ने बैचलर किया हुआ है, किसी ने मास्टर किया हुआ है, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपने यूरोप में आना है तो कोई ना कोई काम सीखकर आपने यहाँ पर आना है। यूरोप में जब तक आप कोई काम सीखकर नहीं आएंगे, तब तक आपको यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको वाज़े कर देता हूँ। अगर आपको कोई काम आता है तो यहाँ पर आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। अगर काम नहीं आता तो आपके पास लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके पास लाइसेंस और गाड़ी वगैरह होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है जी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस फील्ड में आपको काम सीखकर आना चाहिए, किस किस फील्ड में आपको यहाँ पर काम ईजीली मिल सकता है। नंबर वन पे आप बार्बर का काम सीखकर आ सकते हैं, बालों की कटिंग शटिंग। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में टाइल प्लास्टर और इस तरह का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम आप कर सकते हैं, प्लम्बर। इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग और इस तरह के जो काम हैं, रेस्टोरेंट फील्ड में डोनर शॉप पिज़्ज़ा वगैरह का काम अगर आपको यहाँ पर आता हो तो आपको इजीली काम मिल सकता है। लेकिन एक बात है कि आपने जो भी काम सीखना है वो अच्छे से सीखना है, किसी भी काम का। अगर आप मास्टर हैं तो आपको काम यहाँ पर इजीली मिल सकता है, लेकिन अगर आपको किसी भी फील्ड में काम नहीं आता तो फिर काम मिलना डेफिनेटली यहाँ पर मुश्किल होता है। फिर आपको यहाँ पर यही काम मिल सकते हैं, किसी को कार वॉश का काम मिल सकता है, किसी को लेबर में काम मिल सकता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और ऐसे ही मुश्किल किस्म के काम आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लीनर का काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मोस्टली लोग यहाँ पर जो पढ़े लिखे भी आते हैं उनको भी शुरू में फिर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग यूरोप आना चाहते हैं, कोई ना कोई हुनर सीख कर ज़रूर आएँ ताकि यहाँ पर आकर वो उनको ज़्यादा किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े।